जिस इंसान के पास 1 लाख रुपया हो उसके लिए 10 रुपए की कीमत शायद कुछ भी नहीं होती, लेकिन जिस इंसान ने पूरे दिन में 100 रुपया कमाना होता है दोस्तों, उसके लिए 10 रुपए की कीमत बहुत होती है। उसी तरह से जब भी हम कोई भी वीडियो डालते हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब बताते हैं, तो दोस्तों वो हर किसी की काम की नहीं होती, लेकिन हमारी इंटेंशन यही होती है कि ये किसी न किसी के काम की तो जरूर होगी, किसी न किसी को फायदा तो जरूर देके जाएगी। इसीलिए हमारी कोशिश होती है छोटी सी छोटी पोस्ट, बड़ी से बड़ी पोस्ट, छोटी से छोटी वैकेंसी आपको बताते रहे। तो भाई इस बात पे एक लाइक कर देना अगर आप एग्री करते हो। आज की जॉब मुझे काफी मन मार के बनानी पड़ रही है, मैंने सोचा नहीं था बनाऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, किसी ना किसी को तो ये हेल्प करेगी, किसी ना किसी को तो जॉब शायद ये मिलेगी और किसी ना किसी के काम की तो होगी। चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आप लोगों ने लाइक किया या नहीं किया वो तो आपके हाथ में है, लेकिन मेरा आपको कहना मेरा फर्ज है। चलिए बात करते हैं आज की सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट डायरेक्ट जॉब, जो कि इंटरव्यू के थ्रू आपको मिलने वाली है। इसमें 8वीं पास अगर कोई कैंडिडेट है तो वो अप्लाई कर सकता है, बाकी 10वीं 12वीं वाला भी अप्लाई करना चाहे तो जरूर कर सकता है। आप लोगों को सबसे जरूरी बात बता दूं, इसमें आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाला है और लास्ट डेट इसकी 10/10/2018 है। आप लोगों को ये जो लिंक आप ऊपर देख रहे हैं, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट samajayega.in है, इस पे आप क्लिक करके आ सकते हैं। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। चलिए मैं थोड़ी सी डिटेल आपको और यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे टोटल पोस्ट है दोस्तों 7 है, और पोस्ट नेम की बात करें तो सफाई कर्मचारी और वॉशरमैन है। यहाँ पे आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, डिफेंस की जॉब आप इसे कह सकते हो, जॉब लोकेशन आपकी उड़ीसा होगी। याद रखना जॉब टाइप डेली वेजर है, डेली वेजर का मतलब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, आगे पीरियड एक्सटेंड होगा, परमानेंट करेंगे या नहीं करेंगे वो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्टार्टिंग में आपको टेम्परेरी बेसिस पे ही रखेंगे। कौन अप्लाई कर पाएगा? ऑल इंडिया सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू होगा, 8वीं पास आपकी इसके लिए होने चाहिए, और आपको इंग्लिश लिखनी पढ़नी, हिंदी लोकल लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। एज लिमिट 18 से 40 साल यहाँ पे रखी गई है एज ऑन इंटरव्यू डेट। इंटरव्यू डेट आपकी 10/10/2018 है। एप्लीकेशन फीस इसके लिए कुछ भी नहीं है। आपको अगर इसका इंटरव्यू देना है तो आपको जाना पड़ेगा कंपोजिट हॉस्पिटल सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर कैंपस भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट खरोदा भुवनेश्वर पिन इनका ये रहा, ये पूरा एड्रेस मैंने दे दिया है और ये इनका कॉन्टेक्ट नंबर है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसपे मैंने अभी क्लिक किया, इसके अंदर भी आपको काफी सारी डिटेल जो है इसके बारे में मिल जाएगी। आप लोगों को जरूरी बातें बता दूं कि टर्म एंड कंडीशन जरूर रीड कीजिएगा, ज्यादा तो है नहीं, वैसे कुछ ड्यूटी के बारे में ही बताया हुआ है। बाकी एक चीज और भी मैं बताना आप लोगों को भूल दिया, सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट तो है, ये कंपोजिट हॉस्पिटल की तरफ से रिक्रूटमेंट है जो कि सीआरपीएफ का ही है। तो चलिए मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारी कोशिश यही है कि यार हर वीडियो आपके लिए लेकर आए, हर वैकेंसी आपके लिए आए, चाहे कोई ग्रेजुएशन पास है, चाहे 12वीं है, चाहे 10वीं है, लेकिन वो किसी ना किसी के काम की होती है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसे जरूर दबाइए बेल आइकन के साथ। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। समझ आया क्या?